वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो जब पेपर में आएगा आपके स्कूल लेवल का इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन ये, तो आपने एक पिस्टन लिया, गैस ली। मान लो पिस्टन पहले यहाँ पर था, इनिशियल स्टेट क्या थी, P1V1। फाइनली ये पिस्टन यहाँ पे आएगा P2V2। रास्ते में किसी भी इंस्टेंट पर प्रेशर है P और वॉल्यूम है V, और हल्का सा ऊपर गया तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, तो हल्का सा बहुत स्मॉल डिस्टेंस ऊपर गया कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, V+dV। तो यहाँ पर V+dV, तो डायग्राम समझ में आ गया। कोई भी प्रोसेस हो, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ABC, दुनिया का कोई प्रोसेस हो, उसका वर्क डन कैलकुलेट करने का पहला स्टेप फिजिक्स में यही रहेगा, PdV की इंटीग्रेशन, कहां से कहां, V1 से लेके V2 तक, ठीक। क्योंकि आइसोथर्मल है और हम वर्क डन 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, 1 मोल के लिए PV = 1 RT, तो P = RT/V, इस P को उठा के यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, RT/V। कहां से कहां लेके जाना है पिस्टन को, V1 से V2, तो इंटीग्रेशन V1 से V2, RT बाहर आ गया, 1/V dV, 1/xdx की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x है, 1/V dV की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ v है, तो नेचुरल लॉग ऑफ v को ln लिखते हैं, नेचुरल लॉग यानी कि बेस इसका e है, V1 से V2, एक बार v की जगह अपर लिमिट V2, एक बार v की जगह लोअर लिमिट V1, और दोनों को माइनस किया तो आपके पास आइसोथर्मल की वैल्यू आ गई। मैथ की प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म, तो ये वर्क डन आ गया। इसके अंदर जो बेस है वो ई होता है, पर बेस हमें क्या बनाना होता है, 10, तो मैथ का रूल है इसको 2.303 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई 1 मोल के लिए 2.303 RT लॉग ऑफ V2/V1। ये नोट करें फॉर्मूला बुकलेट में, लेकिन लिख लें 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए वर्क डन की जो वैल्यू है 2.303 लॉग ऑफ V2/V1 है, ये फॉर्मूला नोट करें, ठीक। तो 2.303 RT लॉग ऑफ V2/V1, फिर ये भी नोट करें P1V1 P2V2 है तो V2/V1 P1/P2 है, तो सेकेंड फॉर्मूला नोट करें V2/V1 की जगह P1/P2, ये भी नोट करें, दोनों फॉर्मूला नोट कर लें। वर्क डन इन आइसोथर्मल में कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला वर्क डन का 1 मोल ऑफ गैस के लिए, 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल। न्यूमेरिकल में करेगा, आप केमिस्ट्री में V1 V2 करते हो या साइन नेगेटिव लगाते हो, मेरे को मतलब नहीं है उससे, मैं फिजिक्स में V2 V1 करूं, कर सकते हैं, हम आप केमिस्ट्री में क्या करते हैं, ऑलरेडी नेगेटिव लगा के चलते हैं, हम नहीं लगाते, हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अगर तो आया एक्सपेंशन फिर लिख दूंगा पॉजिटिव, अगर आया कंप्रेशन एंड में लिख दूंगा नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऐसे करूंगा, बेस्ट है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है जो आप कह रहे हैं, इसका आंसर ये भी हो सकता है, अगर आया एक्सपेंशन तो V2 बड़ा होगा V1 छोटा होगा तो वर्क डन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, और अगर V2 छोटा हुआ V1 बड़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन यही शो करता है कि कंप्रेशन है, फिर नेगेटिव, एक बार नेगेटिव लगेगा तो ऑलरेडी वो नेगेटिव साथ लग के आएगा, ऐसा है, ठीक। न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा आपको, तो ये पॉइंट क्लियर है। तो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, वो पॉजिटिव ही आता है हमेशा, V2 बड़ा रखता हूँ, V1 को छोटा रखता हूँ, छोटा बड़ा आ गया तो उसको भी उल्टा कर लेता हूँ, फिर एंड में पता होता है कि कंप्रेशन है एक्सपेंशन है, एक बार लगाता हूँ साइन कन्वेंशन, 2 बार नहीं लगाऊंगा। तो 1 ग्राम के लिए निकालना है तो उसको कैपिटल M से मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, पर ग्राम की वैल्यू आ जाएगी।